अरे यार स्नो की ड्रेस से लग रहे हैं हमें, मेरा बदन कांप रहा है सच में, तन्ना है पूरा, बर्फ गिर रहा है जैसे लग रहा है मुझे। पहले तो आप लोग सभी को गुड मॉर्निंग। और ये अभी समय हो रहा है 4 बज गया, 4:64 हो रहा है, मतलब अभी तक अंधेरा है। आपको बाहर का नज़ारा दिखा सकते हैं? तो बाहर का नज़ारा इस तरह, अभी तक अंधेरा है। तो हम सबसे पहले होता है कि आज के ब्लॉग बहुत बढ़िया होने जा रहा है। आज हम लोग 0 जाएगा उठ के, हम लोग ने ओनली बंजा है हम दोनों ने, और कल ही इसको प्लानिंग किया है, मतलब जाएगा बोल के। तो अभी मेरा टर्न 2 टाइम्स होगा 0 जाने का, तो प्रेसअप करते हैं सबसे पहले। अभी प्रेसअप भी नहीं किया ना, तो तब तक के लिए बाय। गाइस लो फाइनली अभी हम रेडी हो गया, और अभी रेडी करते करते भी सुबह हो गया ना, सनराइज हो रहा है अभी। वैसे मेरा हेलमेट का भी सेटअप कर लिया, तो हेलमेट में हम ब्लॉगिंग करेंगे ना आज, तो इसमें माइक वगैरह रख दिया। उसके बाद ज़्यादा वो ज़्यादा कुछ नहीं ले जाएगा सामान, बस हेयरिंग छोटा वाला साइड वाला बैग, उसके बाद फिर बस ये कब्स बनेगा एंड आई थिंक इट्स एन अपना। चलो आगे चलते हैं और वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। गाइस मेरा बैग को यहाँ पे रखा था, यहाँ पे मतलब वो घर रखने का जगह नहीं है ना मेरा वहाँ पे, तो यहाँ पे बैग रखा। अभी 0 का और जाते हैं। सबसे पहले तो मेरा बंजा को लेने जाएगा, बंजा अलग घर में रहता है, तो आज ये मेरा बाइक सही जाएगा। पेट्रोल भी डलना था, तो सबसे पहले तो गंजा का घर जाएगा, उसके बाद 0 जाते हैं। सच बताएगा हम बहुत दिन हो गया मॉर्निंग नहीं उठे, जैसे कि अर्ली 4:30 या 3 AM नहीं होते आज, लेकिन हम 4:30 बीच में होता है। ओह माय गॉडनेस, क्या हो गया, गाड़ी गिर गई, गाड़ी गिर गया। सुबह क्या दिखने मिल रहा है, दिस इज द मार्केट ऑफ गंगा मार्केट। अभी तक दुकान नहीं खुला, अभी तक खुलने जा रहा है, क्योंकि इतना अर्ली मॉर्निंग है ना, 5 AM हो रहा है अभी, और बहुत ही तंदा सब्जी वाला बहुत दूर से आता है, ये लोग सब्जी सेल करने के लिए यहाँ आते हैं। 0 अभी कितना गंदा लगेगा, जब हम जाते वक्त 2 hours गया था समथिंग, 2 approx 2 hour 3 hours समथिंग किया था। आज मेरा बंजा को लेके जा रहा है, और कितना समय लगेगा होगा, राइडिंग का ऊपर डिपेंड करते हैं कि रोड क्वालिटी पे, रोड अगर ठीक हो तो जल्दी होता है, उसके बाद अगर इधर उधर नहीं रुकते तो और ठीक होता है, रास्ता जाने के लिए जल्दी होता है। तो पता नहीं आज कितना घंटा लगेगा, आदमी लोग कहते हैं कि 4 घंटा ऑलमोस्ट लगता है बोला, पर हम जब गया था 2 hours इससे कुछ लगा नहीं। गाइस हम दोनों निकल चुके हैं, मतलब हम बंजा को लेके निकल चुके हैं, तो हम दोनों अभी अब पप्पू नाला यहाँ पे पहुँच गया। क्या है कि अभी बाइक पेट्रोल नहीं दिखा रहा है, पेट्रोल पंप पे भराना पड़ेगा, ओ भला उसके पास सीधा जाएगा, नो रुका रुकी, बस 14 पे रुकेगा ब्रेकफास्ट करने के लिए, और आज का दिन पूरा घूमते रहेगा 0 पे। वैसे यहाँ पे बहुत ठंडा है, नहीं जाने से पहले धुली उड़ना शुरू हो गया, यहाँ करो इस तरह बहुत धुली है। आई डोंट केयर अबाउट, अच्छा मैं यहाँ पे भी डल लो, एक दो ज्यादा दो डल, ज्यादा डल लो। हाँ आई डोंट केयर, कुछ बचने है ना, मोटर वहां में लगा ना, अच्छा कोई बात नहीं, आए आए ठीक है। कोई कोई ऐसे होता है जब पेट्रोल डालते हैं तो पीछे में जो मैं रिमोट होता है, रिमोट से दबाने से क्या होता है कि पेट्रोल थोड़ा कम आता है। बंजा को 14 साइड में देखेगा, यहाँ पे बोलते हैं नमने मन्नी, और बहुत हैंडसम है ना, इसलिए 14 में आप लोगों को दिखेगा। तो अभी हम दोनों निकलते हुए पेट्रोल भी डल लिया, और देखते हैं 3 लीटर का डला है और कितना जाते हैं, 300 का नॉट ओनली 3 लीटर, कुछ ज़्यादा 3 लीटर से कुछ ज़्यादा ML आएगा। ये व्यू बहुत बढ़िया है यहाँ से परे हाथ का, ये रिजॉर्ट भी है, अगर आप लोग आके यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं, ये बोलना ज़रूरी नहीं है, आप लोग सब पता ही है यहाँ आके एंजॉय करते हैं। हाँ इतना तो परे हाथ तक लगभग 30 या 20 मिनट जा चुका है राइडिंग करने वाला। हम लोग का वहाँ पे एक लोकल गाना है, निसी का नाम ट्रांसलेट देगा इसमें हिंदी में, तो इसी गाना में ये ऐसे कि एक तो बोलते हैं नम तुम रुंग खा चुम्बू दो कुमा एमी अरपम हिंग चुम्बू दो कुमा आने नो बिंका तो आबू नो बिंका तो
होगलो निजीरम धीरे पारे। टेस्टमैन की कह रहा कि फैमिली को देखने वाला नहीं है, ताली बर्तन सफा करने वाला घर में नहीं है, तो माँ बाप से पूछ रहा कि कौन सा लड़की को लेना चाहिए। तो इस तरह जाने जाने पैसे लगाना माइंड में बहुत निकलता है। तो हम तो गा गा के जा रहा है, एकदम गला भी खराब होने जा रहा है। बहुत ही बढ़िया यार। अरे इंतजार है, मेरा बंजा को दिखाएगा, सबसे कूल है इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ। आलोक सोच रहा होगा एक्टिंग को नहीं दिखा रहा, क्या बात है। हाँ सच में बहुत हैंडसम है, कूल है इसलिए नहीं दिखा रहा है, बाद में दिखाएगा। तब तक ले आप लोग उत्सुक हो के दिखने मनो के तरसते रहने देगा, डिजायर होने देगा। कोई लेकिन हम दोनों नहीं दिखा, क्रॉस करके देखिए। तो आप लोग को ये पानी दिखाते हैं। हाँ वो साइड में था, हम दोनों दूसरा जगह पे स्पॉट पे आए, तो लेकिन भी यहाँ से देख सकते हैं कितना बढ़िया। गाइस ये व्यू लेक को देखो। तो गाइस आप लोग सबर बहुत कर लिया होगा, तो मेरा बंजा को हीरो को दिखाते हैं। सर जी नमस्ते करिए, बंजा कूल नमस्ते, एकदम हैंडसम है। अभी भरोसा हुआ होगा मेरा बात, कितना हैंडसम है ना। ये नज़ारा मज़ा है। और वो आगे में देख सकता था लेकिन वहाँ पे नहीं रुका है ना, तो यहाँ में रुका है। तो ये जो पारे हाटे हाथ नीचे पे है, आप लोग खेती है देखो, आप देख सकते हैं लोकल आदमी लोग क्या वाला खेती है। अब बाहर वाला आदमी पानी की तेल नहीं लगाता है, तो इसलिए वो लोग झूम खेती करता है। हो गया अरे यार, स्नो की ड्रेस से लग रहे हमें। ओह गॉडनेस, मेरा बदन कांप रहा है ऐसा समय। तंदा है पूरा। ये रहा न्यू ब्रिज बना रहा है, ओल्ड वाला ब्रिज, ये ऑलमोस्ट डैमेज हो चुका है तब भी यूज कर रहा है। रिक्शे यो तरफ ना, देखो इसको देखो, गिरने से कटता मैं इसमें। लग रहा है ये लोग प्रो राइडर है, चलाने का स्टाइल देख दो ना, तीन आदमी बुक के इस तरह कच्चे रास्ते पे। पर मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, और जितना यहाँ पहाड़ चारों बोलने से भी मैं चढ़ जाऊँगा। देख सकते हैं जैसे कि ये जो है एक तरह का बहुत एक्सपेंसिव पाउडर है, जो आप बिना मेकअप किए भी यहाँ आने से मेकअप हो जाएगा, तुम नीट एंड क्लीन। आप अगर लड़की हो तो बहुत ब्यूटी सुंदर हो जाएगा, अगर लड़का हो तो हैंडसम हो जाएगा ये पाउडर पे। और सबसे बढ़िया मज़ा ये लगता है, ये जगह देखो, ये वाटरफॉल, पता नहीं इसको क्या वाटरफॉल बोलते हैं, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में मुझे बताना ये वाटरफॉल का नाम। कितने मज़े है देखो यहाँ पे ना, कितना मज़ा है यहाँ। पानी बहुत अंधा होगा लग रहा है, इसमें बहुत अंधा है, मेरे पाँव में लगा है। और ये रहा प्रोटेक्शन, लैंडस्लाइड नहीं होने देने के लिए बना है ये, बहुत डरावना है। लेकिन अभी तो रत्ती को गया, जब हम यहाँ पहली बार गया था बहुत रिक्शा था, काम कर रहा था ये लोग अभी आप। लेकिन अच्छा इंतजार ही 14 किलो वेट। यहाँ का नज़ारा तो एकदम तो मज़ा होती है, मौज होती है। बाहर बाहर बंजा आराम से गाना गा के जा रहा है, जबकि हम आगे सीट पे बाइक चला रहा है, इसलिए बहुत तंबा मुझे लग रहा है। नज़ारा देखो यार, कैसे भगवान ने क्रिएट किया अच्छा जगह को, दुनिया को कितना सुंदर है। मानता है ये रोड इंसान बनाया है, पर नेचर को देख दो, और इंसान को भी तो गोदी रचाना है कि नहीं, तो बात तो सेम ही हो गया। यहाँ में बर्फ गिरा जैसे लग रहा है मुझे। अभी अक्टूबर का समय जा रहा है, अक्टूबर 29 में चल रहा है, तो नवंबर दिसंबर और जनवरी पे किस तरह फील होगा मुझे पता नहीं है। स्नोफॉल होगा चारों ओर का, जगह जगह पूरा होगा लग रहा है मुझे, ये मेरा सोच है। अब लोग का क्या सोचना पता नहीं है, लेकिन इस तंदे को मैंने अंदाजा लगा लिया कि ऐसे होने जा सकता है। ये गाड़ी बड़ा गाड़ी लुक है, तो सुबह ईटानगर से निकला है ना, तो अभी कोई कोई कोलोरियंग जा रहा होगा, न्यापिन जा रहा होगा, और जीरो जा रहा होगा, ये लोग सुमो वो सब गाड़ी जाने वाला है। और जो बाहर से देख रहा है नागालैंड मेरा नॉर्थ ईस्ट फ्रेंड लुक है, मेनलैंड इंडिया से मेरा सब्सक्राइबर लुक है। आप लोग एंजॉय कर सकते हैं यहाँ के, कुछ नहीं है, बस होटल रिजर्व करो और एंजॉय करो। आप लगभग हम दोनों पोर्टेंट पे पहुँच चुका है, और यहाँ पे रेस्टोरेंट ढूंढते हुए कहाँ पे मिलेगा। तो यार मैं जीरो का मेंशन है क्या, अगर जीरो का मेंशन होता है कितना किलोमीटर है, 0 53 किलोमीटर, तो ऑलमोस्ट इट्स नियर 53 किलोमीटर, लगभग 1.5 आवर जाएगा। वाह ऐसा कुछ होगा, ज़्यादा नहीं, गलती से नीचे चला गया, बात करते करते पूरा भूल गया। तो ये डैम जो पोटेन है, आप
आपको दिखाते हैं यहाँ का डैम, शायद जो सबसे पॉपुलर है, वन ऑफ द फेमस प्लेस, आप विजिट कर सकते हैं। और इमर बंजा कूलेस्ट वन, मैंने जैसे बताया था ना, बहुत कूल हैंडसम है प्लस में। चलो ब्यूटी, आई होप आप लोग को बहुत क्लियर से दिखाई दे रहा होगा। और रहा डैम, यहाँ का हवा, ब्रिज हवा आ रहा है जैसा लग रहा है। हम दोनों 14 पे पहुंचा है जहाँ पे डैम साइट है, और यहाँ का डैम नजारा देखो बहुत बढ़िया है। पूरा कपड़ा धूल हो गया, धूल दूर हो गया यहाँ से, गंदा लगा ना। और यहाँ से अभी 53 किलोमीटर है जीरो जाने के लिए, तो हम दुनिया में तो ब्रेकफास्ट कर लेगा, उसके बाद निकलेगा जीरो की ओर। और वहाँ पे मिलेगा ये अच्छा नहीं हो रहा है, पानी को देखता गाइस। तो हम दोनों अभी निकल रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर चुका है और फोटो वगैरह भी खींच लिया, तो बंजा हम दोनों अभी निकल रहे हैं ना, तो बाइक यहाँ पे रेडी है। अब ब्रेकफास्ट कर लिया, रेस्ट कर लिया, तब तो जीरो का अभी नज़ारा एस करते हैं। जीरो में आ रहा हूँ अभी। हम दोनों रेस्टोरेंट से निकल चुका है, रेस्ट कर लिया और कुछ खा लिया, पराठा खाया खाने में, उसका चाय वगैरह, पेट पूरा भर्ती हो गया, खाना नहीं खा सकता था, इसलिए ब्रेकफास्ट कर लिया। अभी समय हो रहा है 9 बज गया, सुलग गया था तब भी समय में पहुंच गया घर से, ऑलमोस्ट 6 बजे कुछ ज़्यादा में निकल गया था, और रास्ता में आते आते 8 बजे यहाँ में पहुँच जाता हुआ। तो अब समझ पा रहा होगा कि वहाँ से 6 बजे निकला है, फिर यहाँ में 8 बजे पहुँचा, कुछ गता है, कुछ मतलब समय लगा 1-2 घंटा से, क्योंकि हम दोनों रुक के वीडियो बनाए, फिर पेट्रोल डाला, रुका है, फिर ऐसे करके रास्ता में मतलब समय चला गया। बढ़िया हो देना सतीश पे, मज़ा हो दिया। जीरो यहाँ से 48 किलोमीटर है, तो ऑलमोस्ट अभी नियर हो गया यहाँ से, और ज़्यादा दूर नहीं है, देख सकते हैं जीरो कितना सामने हो गया। यार ये राइडिंग का ये इवेंट, ये मज़ा है, मज़ा है, मौज है, कितने मज़ा है यार। पोसा में पहुँचा है, पोसा बोलते हैं साइन बोर्ड में, मुझे भी नाम पता नहीं है, लेकिन उसमें पोसा लिखा गया था। तो अभी ये नज़ारा देखो, ये प्लेन, ये जन्नत की ओर, कितने मज़े है यार। ये रास्ता बताता है डेस्टिनेशन कैसे है, आपकी लाइफ किस तरह है, इस तरह आप चलते रहना चाहिए आपका लाइफ पे ना, चलते रहना है, ना रुकना है, बस चलते रहो, जहाँ रास्ता दिखाते हैं वहाँ चलते रहो। स्पीड लिमिटेड 30 पर मैं 50 में जा रहा हूँ, कोई बात नहीं है, देयर इज़ नो रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशंस, बस चलते रहो, मौज मस्ती करते रहो, खाते पीते रहो, एक दिन ना एक दिन सबको जाना ही है। पिता फूल, अभी 2 किलोमीटर यहाँ से बचा है, तो पिता फूल बन के और इसका जगह को देखते हैं। मुझे पता नहीं पिता फूल किस तरह दिखता है, पर मैं जरूर आपको दिखाऊंगा कि पिता फूल किस तरह दिखता है। तो यहाँ से डैम साइड का इलेक्ट्रिक जहाँ सप्लाई यहाँ में आता है, और डैम वहाँ पे है, आई डोंट नो दिस इज यजाली और नो, मैं बहुत सर्दी हो गया हूँ यार। सो ये है यसली का व्यू पॉइंट जहाँ आप देख पा रहे हैं, ये टॉप पॉइंट है, और यहाँ पे सब आदमी आते हैं, आदमी आता है और रुक के ये नज़ारा को देखता है, बहुत ही बढ़िया गाइस, एकदम ऑसम है, दैट्स नाइस वे, देखो बढ़िया ना। हाय, नज़ारा मजा। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, इफ यू वांट टू कम हियर जस्ट यू कैन कम एंड विजिट, यसली इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड जीरो ऑल्सो, वी आर गोइंग टुवर्ड जीरो, यस, नेक्स्ट एपिसोड We'll show you, okay? पहाड़ के ऊपर पता नहीं केटी होता था, ऑसम गाइस, रियली ऑसम। तो ये रहा टूरिंग बॉयज और ये गर्ल्स, ये लोग भी टूरिंग कर रहे हैं। सॉरी गाइस, आई हैव टू से दिस कि मैंने इतना बात किया, इतना बोला है, लास्ट में देखा तो मेरा ईयरफोन जो है, ईयर जैक जो है कनेक्ट नहीं था, तो मेरा बात सुनाई नहीं दे रहा था, दैट्स व्हाई आई हैव टू लेव दैट वीडियो। एक्चुअली यजाली एक दीदी बहन है, तो एक कहानी स्टोरी है बोलते, मुझे बहुत कन्फ्यूज होता है ये दोनों में, कभी यजाली को हम यजाली बोल देते हैं, यजाली को यजाली बोल देते हैं, ऐसे बोला है। तो मेरा सब्सक्राइबर और व्यूवर्स कृपया करके करेक्शन कर लीजिए ना, या फिर एक चेकिंग होता है इस पर। फ्रॉम इज नाउ 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर, तो 4 किलोमीटर को अभी पारते हुए, और जोरम जो है एक तरह का वो भी खूबसूरत है अपने आप पे। सो नाउ एट जोरम, उस लोग मैं जोरम पे पहुंच गया हूँ। जोरम मैंने कहा था आपको, जोरम भी अपने आप पे एक खूबसूरत है, वो जोरम का नज़ारा मिलेगा। तो क्या है कि अभी हम दोनों जोरम क्रॉस कर लिया, एंड अभी जीरो का, और जीरो यहाँ से 18 किलोमीटर है बोलते हैं।
तो लगभग अब समझ सकते हैं कि यहाँ से और इतना दूर नहीं है जीरो पर। लेकिन मेरे वीडियो को आज हम यहाँ पे रखते हैं, इसको पार्ट वन बना के गाइस, क्योंकि ज़्यादा लंबा होने से लोग देखता नहीं है और ओनली पार्ट को स्किप करके मेन पर्सन को देखता है। सो आई डोंट वांट डेट कि आप लोग भी इस तरह करिए किए जाए। हाँ, तो हम वही सोच रहे कि ये पार्ट को यहाँ पे रखेगा एंड नेक्स्ट पार्ट टू बोल के जीरो का सफ़र वहाँ का इस आराम को दिखाएगा। लंबा हो जाएगा ये, इट्स टू मच लंबा, आई नो, एंड एडिट करने के लिए भी समय लगता है, मेहनत लगता है। तो गाइस ये पार्ट वन को यहाँ में रखते हैं एंड पार्ट टू अभी एंड स्क्रीन में मिल रहा होगा और आई आइकन में भी नोटिफाई कर देगा और वहाँ देखो अभी मिल रहा होगा, तो क्लिक करके इसको देखिए ना। तो गाइस बाय बाय गाइस, और नेक्स्ट वीडियो को देखिए जहाँ पे जीरो जा रहा है हम।